चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यह कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है ओके तो वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसे उन ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है तो ऑप्शन में यहां पे क्या दिया हुआ है मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और नाइट्रस ऑक्साइड तो सबसे पहले तो ये देखो कि ग्रीन हाउस गैस को पूछ रहे हो किसको पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस को तो इसमें चारों ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है तो हमको पता है कि मीथेन क्या है ग्रीन हाउस गैस है सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन सी एफ सी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ओके नाइट्रस ऑक्साइड क्या नाइट्रस ऑक्साइड ए भी क्या आपका ग्रीन हाउस गैस है? तो सी एफ सी तो पहले ही दौड़ से बाहर हो गया ना तो बच गया कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस तो मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस की पाई जाती है तो आंसर क्या आएगा आपका सीओ टू क्या आएगा सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो क्या होती है इसको भी जान लेते हैं लगे हाथ तो वायुमंडल में जो गैसे पाई जाती है कौन सी गैसे ग्रीन हाउस गैसे तो उनको उनका काम क्या है तो वायुमंडल में पाए जाने वाली ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए क्या होती है पारगम्य होती है यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है उनको आने देती है। अब सूर्य से आने वाली किरणें ये पड़ेगी किस पे पृथ्वी के सतह पर तो पृथ्वी के सतह को ये क्या करेगी गर्म करेगी अब पृथ्वी की सतह क्या हुई गर्म हुई अब जब रात का समय आएगा जैसे ही सूर्य ढलेगा पृथ्वी स्वतः ही क्या होगी ठंडी होगी तो इससे पृथ्वी की सतह से क्या होगा उष्मा का उत्सर्जन होगा हीट रिलीज होगा ना तो जब हीट रिलीज होगा तो सूर्य से आने वाली किरणें ये पृथ्वी के सतह को क्या करेगी गर्म करेगी अब पृथ्वी की सतह गर्म होगी तो इससे क्या होगा स्वतः जब यह ठंडी होगी तो उष्मा का उत्सर्जन होगा तो पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण को हम पार्थिव किरणें कहते हैं पार्थिव विकिरण क्या कहते हैं पार्थिव विकिरण पार्थिव किरण तो ऐसी गैसें जो पार्थिव किरणों के लिए पारगम्य नहीं होती है ट्रांसपेरेंट नहीं होती उन्हें बाहर जाने नहीं देती है क्लियर है सूर्य से आने वाली किरणों के लिए क्या होगी पारगम्य और पृथ्वी से निकलने वाली वार्तिक किरणों के लिए क्या होगी अपारगम्य होगी नॉन ट्रांसपेरेंट होगी तो ऐसी गैसों को क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ओके अब ऐसा क्यों ये दुआ भेदी भाव क्यों कि सूर्य से आने वाली किरणों जा भाई जा कह रहा है और इधर पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को रोक दे रहा है तो उसका कारण है कि सूर्य से आने वाली किरणों की ऊर्जा एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है जबकि पृथ्वी से निकलने वाली जो पार्थिव विकिरण है उसकी ऊर्जा क्या होती है सूर्य से आने वाली किरणों की ऊर्जा की तुलना में इसकी ऊर्जा कम होती है इस कारण ये इन गैसों को पार नहीं कर पाती है। क्लियर है तो इसका आंसर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके